हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। गाइज, आज आप सभी लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो पिछले 10 सालों के मैंने एनालिसिस किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है, जो बहुत बार आ चुके हैं, यानी कि 8 बार या 10 बार आ चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें माई स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो फटाफट चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। अगर आप एसएससी जीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में मौजूद है? मैलिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टैनिक एसिड। आप लोग गैस कीजिए इसका आंसर क्या है। बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, फॉर्मिक एसिड। देखिए, फॉर्मिक एसिड जो है, जब भी चींटियाँ काट जाती हैं ना, तो हमको इरिटेशन होती है। ठीक है, जलन भी होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा गंदा सा महसूस होता है, वहाँ पे ईचिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो ईचिंग होने लग जाती है, तो उसी तरीके फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। और कुछ एंट्स जो होती हैं, कुछ चींटी को जो है फॉर्मिक एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ भी किया जाता है, उनसे ऑब्टेन करने के लिए फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ईचिंग हो जाती है, इरिटेशन होने जाती है जब वो काट जाती हैं। ठीक है, और दीज एंड्स आर कॉमर्शियल यूज टू ऑब्टेन फॉर्मिक एसिड के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर मौजूद। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ट्राइड टू प्रोहिबिट सती। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की? कोशिश की है केवल। ठीक है, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। आप मुझे बताओगे अब कमेंट बॉक्स में कि कौन से पर्सन से जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है तरीके से एग्जामिनर का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द वाइट टाइगर वॉज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए अरविंद अधिगा, ऑप्शन बी सलमान रुशदी, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप लोग गैस कीजिए इसका आंसर क्या है। आप लोग इमेज में भी देख पाए, ये पर्सन है जिन्होंने खत्म लिखी है द वाइट टाइगर रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी है अरविंद अधिगा के द्वारा। आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे कि इनका नाम भी लिखा हुआ है, थोड़ा आप जो जूम करोगे तो आपको इमेज मिल जाएगी अरविंद अधिगा के द्वारा। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ इनके बारे में। देखिए, आप लोग ये इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए बुकर प्राइज इनको मिला था, 14th बुकर प्राइज मिला था और 2008 में मिला था। ये बुक पब्लिश की थी 2008 में। ठीक है, तो इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इमेज मेरे को गूगल से ऐसी ही मिली, थोड़ा जो है ना द मैन बुकर प्राइज, आप लोग देख सकते हैं। ये चीज़ें ना आपको याद रखने बहुत हेल्पफुल रहती हैं इमेजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया में? गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लॉ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नो ऑप्शन इज करेक्ट। आप बताइए आंसर क्या होगा। हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इंडिया में, कौन करता है? देखिए, स्टेट से जो भी रिलेटेड एक्टिविटी होती है ना, वो गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं उनको। ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑलोवियल सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन में? ऑलोवियल सॉइल जो है मेनली फाउंड इन विच रीजन, कौन से रीजन पाए? डेक्कन ट्रैप, नॉर्थन प्लेन्स, छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप लोग आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है बी नॉर्थन प्लेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर आर्टिकल 33 हु हैज़ द पावर टू अबोलिश और रिस्ट्रिक्टेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री। अंडर आर्टिकल 33 हु हैज़ द पावर टू अबोलिश और रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज और पार्लियामेंट्री, किसके अधिकार है? देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर सही करके आएंगे। द प्रेजिडेंट होगा, द प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेजिडेंट, पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ दीज। आप लोग आंसर नन ऑफ द अबव आंसर कीजिए। इसका आंसर बी आंसर, पार्लियामेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये थोड़े साइंस वाले क्वेश्चन है और सभी लोग मैक्सिमम लोग इनका सही करके आते हैं आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में मौजूद है। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान कौन गवर्नर जनरल था? ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ले, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। इसका आंसर है डी वॉरेन हेस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइंड प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं। द हेडक्वार्टर
ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मैंने भले ही बताया हुआ है कि 8 बार ये क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 8 बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये उन क्वेश्चन में से है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड है जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन, रोम में, बताना चाहिए इसका आंसर है न्यूयॉर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स विल प्रोड्यूस अ फीमेल, विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स विल प्रोड्यूस अ फीमेल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए एक्स वाई, ऑप्शन बी वाई एक्स, ऑप्शन सी डबल एक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इसका आंसर सी डबल एक्स। ठीक है, विच इज द ओनली वन मेजर प्रोसेस, विच इज द ओनली वन मेजर प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमोस्फियर, विच इज द ओनली वन मेजर प्रोसेस थ्रू विच, इसके माध्यम से ऑक्सीजन इज रिटर्न टू एटमोस्फियर, केवल एक प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन को वायुमंडल में लौटाया जाता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन को वायुमंडल में लौटाया जाता है, कंब्यूशन, रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फोटोसिंथेसिस, डी आंसर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट चलते हैं, अंगोरिया वूल, अंगोरिया वूल क्या है, अंगोरिया वूल यानी कि ऊन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच एनिमल से, शिप से, गोट से, रैबिट से, काउ से, किसे ली जाती है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अंगोरिया वूल यानी कि ऊन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच एनिमल से, शिप, गोट, रैबिट, काउ, इसका आंसर सी रैबिट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन का, हिमालय, रॉकी, किलिमंजारो, एंडीज, बताइए आंसर क्या है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी तह पहाड़ का उदाहरण नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, हिमालय, रॉकी, किलिमंजारो, एंडीज, बताइए आंसर क्या है इसका, इसका आंसर सी किलिमंजारो। श्रीरंगम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश से, देखिए जो टेम्पल के क्वेश्चन होते हैं ना ये एग्जाम में किसी न किसी सेट में रखे मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन तो मिल जाता है किसी न किसी सेट में। ठीक है, ऑप्शन ए तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, वेद से क्वेश्चन एग्जाम में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी न किसी सेट में एग्जाम में या किसी न किसी एग्जाम में सेट में क्वेश्चन रखा मिलता है। विच वेद डिपिक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एशियन वैदिक एज कल्चर, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की जानकारी जिसकी संस्कृति की जानकारी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बताइए आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद से क्वेश्चन एग्जाम में ना आए ये तो इम्पॉसिबल है, किसी न किसी सेट में वेद से क्वेश्चन मिल जाता है, आप पढ़े भी होंगे वेदों के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऋग्वेद, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। मसल स्टडी इज कॉल्ड क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, मायोलॉजी, माइट्रोलॉजी, न्यूफ्रोलॉजी, बताइए आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग इसका आंसर मुझे बताओगे, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द म्यूनसिपालिटीज, द म्यूनसिपालिटीज से किससे कौन से पार्ट्स में आती है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। EDC जनरेटर कन्वर्ट्स डैश इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, EDC जनरेटर कन्वर्ट्स करता है डैश इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, डायरेक्ट करंट, मैकेनिकल एनर्जी, डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी, इनडायरेक्ट करंट, ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी, डायरेक्ट करंट। EDC जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट में। ठीक है, यानी कि बी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द फिक्सिंग नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोइल, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव हवा से सीधे नाइट्रोजन को ठीक करने में मदद करता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव हवा से सीधे नाइट्रोजन को ठीक करने में मदद करता है, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोइल की, गोल्डन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटॉम, बताइए आंसर क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। बट इज द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन पंजाब और हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो पहली बात है, और आपके हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह है तो हरियाणा
हरियाणा के जो एग्जाम्स होने, जैसे कलर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आ चुकी किस तारीख को शायद एग्जाम शुरू हो जाएगा, किस तारीख को, आई थिंक 20 या 21 को, ठीक है। तो उनके एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कैनल पटवारी का, पटवारी के एग्जाम फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, इनका भी नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम, उन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड है ना, हरियाणा जहाँ रिलेटेड है। वट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, पौंड, कैनल, वेल, रेन, इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी कैनल। इस टाइप क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में तो डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी वर्क एज एन एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर, इंडियन ओपिनियन, द लीडर, इंडिपेंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर मौजूद है। महात्मा गांधी वर्क एज एन एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर, इंडियन ओपिनियन, द लीडर, इंडिपेंडेंट, डी आंसर ओनली ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी आंसर है, ठीक है, याद रखना डी आंसर, यानी कि ए, ओनली ए, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन है ओपिनियन। नेक्स्ट चलते हैं, 1 जूल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, सोचिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो 0.28 कैलोरी, 54 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 42 कैलोरी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर सही करके आएंगे, सी आंसर, काफ़ी लोग जानते हैं इसके। आप लोग इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं बता देता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा ग्लास, बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा ग्लास, कुछ लोग फॉर्मूले भूल भी जाते हैं, ठीक है, इसका आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन के, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस मिशन के संस्थापक थे, यानी कि वॉज, यानी कि वॉज आ गया ना, संस्थापक थे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ये आप लोग दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस मिशन के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के, चिन्मय मिशन के, आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के, बताइए आंसर क्या है, ये आंसर, ये आंसर आर्य समाज के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लुथियन आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, मैं इसकी इमेज देनी भूल गया ना, इमेज में दिमाग से निकल के मैं इमेज दे देता आपको, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाता है। लुथियन द्वीप भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बताइए आंसर क्या है। लुथियन द्वीप भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। लुथियन आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इंडिया, वेस्ट बंगाल, इसका आंसर है ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा लेट पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वॉज पास बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920 एट, कहाँ पे होता है, द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वॉज पास बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920 एट, इसका आंसर काफ़ी लोग जानते होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागपुर, लाहौर, बनारस, कानपुर, बताइए आंसर क्या होगा इसका, काफ़ी सारे लोग जानते होंगे इसका आंसर, इसका आंसर है ए नागपुर, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।